अब मौसम बदला है तो सरकार तो बदलना जरूरी है। ये संकेत है कि भाजपा जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? हम तो यहाँ बैठ के बोलना पड़ रहा है, कमर में हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब बात रहे कि तेजस्वी जी तारा के बेड रेस्ट की जरूरत बा कम से कम 3 हफ्ता। हम डॉक्टर साहब से कहनी, डॉक्टर साहब तेजस्वी कब ले बेड रेस्ट ताले जब तक नरेंद्र मोदी के बेड रेस्ट ना दिले। इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर पूरे दुनिया में कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 10 साल से सत्ता में है, 10 साल से प्रधानमंत्री है। बिहार में अगर हमारा 18 महीने छोड़ दो, 22 में और 15 में 17 महीने है, उसको छोड़ करके 17 साल से बिहार में एनडीए का शासन है। एमपी लगातार जो है गोपालगंज से एनडीए की जीत रहे हैं। आज बैकुंठपुर की जनता, मोहम्मदपुर की जनता से हम पूछना चाहते हैं, एक काम बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए किया हो 10 सालों में। एक काम गिना दो जो यहाँ के सांसद ने आपके लिए किया हो, कोई बड़ा काम छोटा काम। लेकिन जब आपका भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री था तब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 5 लाख तो दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए, स्वयं सहाय समूह, तालमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवा, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी के मानदेय को हमने 17 महीने में दुगुना कराया। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जो खिलाड़ी मेडल लेकर के आए उनको भी हमने नौकरी दी, और जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी तक बन सकता है। ऐसी नीति हम लोगों ने बनवाने का काम किया। इन्वेस्टर मीट कराया, पहली बार बिहार में निवेशकों को बुलाया गया, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन करवाए हम लोग ताकि सब निवेशक बिहार में निवेश कर सके। ये सारा काम हम लोग कर रहे थे, तले चाचा जी पलट गए, पलटे तो पलटे, जहां रहे सुखी रहे स्वस्थ रहे हमारी कामना है। बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें, तन उधर है मन इधर है। अब चुनाव के बाद क्या होगा इस पर हमको कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं की, लेकिन भाई जी हमने तो काम किया 17 महीने। लेकिन सबसे पहले अगर उप मुख्यमंत्री बनकर के आए तो थावे मां के मत्था टेके। थावे टूरिज्म मिनिस्ट्री भी मेरे पास था, थावे में जो मंदिर का काम चल रहा है ना सौंदर्यीकरण का, 70 से 80 करोड़ रुपया हम दिलवा रहे, काम चल रहा है 17 महीने में। मेडिकल कॉलेज कौन दिया? 100 अस्पताल कौन दिया? ये बगल में झंझवा में ट्रॉमा सेंटर के दिया? खुद आए थे हम, हमने जो वादा किया उसको पूरा किया, और 70 घाट से लेके पिपरा गांव तक PWD का सड़क 124 करोड़ का कौन दिया? यहाँ भी सड़क सड़क टूट गया था, कौन बनवाया? तो हम तो गिना रहे हैं भाई, जरा यहाँ के सांसद से हिसाब लो, या मोदी जी आते तो क्या बोलते, भाई बैठो, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा।
मित्रों, मोदी आएगा तो सारे किसानों का आय दुगुना कर देगा, सबका पक्का मकान बना देगा, गरीबी महंगाई मिटा देगा। 14 में कहे 19 में कुछ और, अब 24 आ गया, कोई वादा का बात नहीं कि रहना बिहार का विशेष राज्य का दर्जा पैकेज सब भूल गया। अब 24 में क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन। प्रधानमंत्री बोले तो रहेगी मंगल सूत्र। प्रधानमंत्री बोले हैं, अब ऐसा प्रधानमंत्री, हमको तो एक बात याद आ गया, गुजरात के मुख्यमंत्री थे 15 साल तक, 10 साल देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री रहते हुए, और उड़ीसा जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो वहां के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि जिला का कैपिटल बता दे मुख्यमंत्री। अब रउआ लोग बताएं ऐसा प्रधानमंत्री के उनका के पते नहीं के कि जिलों का कैपिटल नहीं के नहीं होता है, कैसे 15 साल ही मुख्यमंत्री रह लिए, कैसे 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, बोलते कि जिला का कैपिटल होता है। भाजपा वाला आएगा तो पूछना गोपालगंज का राजधानी कहाँ है, हाँ कि ना पूछ वो। अरे होता क्या है कि प्रधानमंत्री फंबल जल्दी कर जाते हैं अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हो तो। टेलीप्रॉम्प्टर एक मशीन होता है जो जो एक बाएं लगा रहता है, उधर से नहीं दिखेगा, उधर से ट्रांसपेरेंट रहता है, इधर से प्रधानमंत्री को दिखता रहता है, वही भाषण जो लिख के देता वही पढ़ते हैं। मशीन जो बंद हो जाता है समझो वो भी खत्म, उनका बोलिए खत्म, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। तो ये हालात, लेकिन आप हिसाब लीजिएगा मोदी जी से कि 10 साल क्या क्या, आज 11वीं बार आ रहे हैं मोदी जी बिहार, 11वीं बार, एक 34 साल के नौजवान ने उनको सड़क पर लाने का काम किया, नौकरी के एजेंडे पर कहा आना पड़ रहा है बिहार बार बार, फिर रात्रि विश्राम करेंगे। हाँ भाई बार बार आए, लेकिन आते हो तो आप एक बार भी हिसाब नहीं देते 10 साल का, 40 में से हम 40 सांसद लेके जाते हैं, उन्होंने क्या किया ये भी हिसाब नहीं देते, अगला 5 साल क्या करिए यो तो कम से कम बता दो। तो आइए तो खाली हिंदू मुस्लिम, अब बोलते हैं भाई बहनों ये विपक्ष वाले लोग ना इंडिया अलायंस वाले मंगल सूत्र छीन जाए, देखकर 2 भैंस होगा उसका 1 भैंस छीन लेंगे, स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रधानमंत्री का। हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं। समय कम है, जाना है, सिग्नल मिल गया है, लेकिन एक बात कह के हम रखेंगे, क्या बताओ मंगल सूत्र कब पहनाया जाता है, ब्याह ना, अरे ब्याह होगा तब मंगल सूत्र पहनाया जाता है ना मोदी जी, अब ब्याह कब होता है बढ़िया से जब नौकरी लग जाए लड़का लोग के रवा लोग के, तभी ना नौकरी लग गया तो ब्याह क्या रहता है सर करता है, मोदी जी नौकरी दिए जो ब्याह क्या कर लिया लड़का साहब, हम तो 5 लाख दिए तो 5 लाख में से तो कुछ हजार तो ब्याह किया होगा कि नहीं किया होगा, तो मंगलसूत्र पहनाया होगा कि नहीं पहनाया होगा, तो तेजस्वी ने तो अवसर दिया मंगलसूत्र पहनाने का, आप छीनने की बात कर रहे तो कोई नहीं, आप लोग होशियार हैं मोहम्मदपुर की जनता से यही अपील है कि ये नौजवान हैं चंचल जी हैं, इनको एक एक वोट उदय को लेकर खड़ा है लेडी पर्स लेकर के, उसी पे आप लोग दीजिए, और सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग पूरे देश में देंगे, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 किया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा, किसानों को 10 फसलों पर MSP हम देंगे, और गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 कर दिया उसको 500 रुपया करेगा। तो विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ उठा के बताओ जिताना है ना, नया लोग के मौका दी
सांसद तो आते नहीं है, कोई काम तो है नहीं उनका। ये नया लड़का है, हम लोग सब लोग नए लोग हैं, काम करेगा, मेहनत करेगा, आपके बीच रहेगा, सेवा करेगा, तो चुपचाप एक हाथ। अरे लेडी पार्षद भाई यहाँ चुपचाप 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 बस बहुत बहुत बढ़िया कदम जितावे के बाद रवन लोग के साथ रही हूँ एकदम ना। देखिएगा कोई दिक्कत करेगा तो बता दीजिएगा, सूचना के लिए नंबर वंबर दिलवा दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मदपुर की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।